हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य फाइन होम्स पे। दोस्तों, काफ़ी सारे चैनल्स YouTube पर बने हुए हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग और साथ ही में कॉमेडी से रिलेटेड। आज से पहले आपने उन्हें सपोर्ट किया होगा। साथ ही में ये सभी जो चैनल्स हैं आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी भी है एंटरटेनमेंट। ऐसे ही हमारा ये जो चैनल है दोस्तों, ये आपको इंटीरियर, हाउस डिज़ाइनिंग, फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देता है, जो कि आपके लिए आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे कि जब आप अपने लिए घर खरीद रहे हों या फिर आप अपने घर को रिनोवेट कर रहे हों, तभी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगी। तो इसलिए आप हमें और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इसी तरीके से लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत विला, जो कि 100 गज में बना हुआ है और बहुत ही प्यार से इसको बनाया गया है। इसको देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए हम इस विला के एंट्रेंस पे चलेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार इसकी लोकेशन बता देती हूँ। इसकी लोकेशन रहने वाली है दोस्तों गांधीपथ वेस्ट, वैशाली एस्टेट में, और इसके आसपास की कनेक्टिविटी रहेगी मेन गांधीपथ जो पुलिया है वहाँ से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, अजमेर रोड से 2.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, साथ ही में जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये रहने वाला है। साथ ही में स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपको स्कूल्स मिल जाएंगे। तो लोकेशन बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ में जो प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 100 गज से लेकर 150 गज तक के विलास 70 लाख से स्टार्टिंग यहाँ पे आपको विलास मिल जाएंगे। तो अभी हम चलेंगे दोस्तों हमारे विला के एंट्रेंस पे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो विलास बने हुए हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको मिल जाएगा बेसमेंट भी। तो यहाँ आपको मिल रहा है बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 3 BHK ये विला रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये आ जाती है हमारी विला की एंट्रेंस। आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन इसका रहेगा, कितना खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। आप सोच रहे होंगे बाहर से इतना अच्छा एलिवेशन है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। साथ ही में देख सकते हैं दोस्तों, आप सामने देखेंगे काफ़ी वाइड रोड आपको मिल जाती है और आसपास आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल सोसाइटी है। और आप देखिए आपके विला के बाहर आपको यहाँ पे ग्रीन एरिया मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत ग्रीन एरिया आपको मिल रहा है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसको मेंटेन किया गया है, इससे आपके विला की जो एंट्रेंस है उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 100 गज में बना हुआ है दोस्तों हमारा विला, 19x50 के डायमेंशन में रहेगा। नॉर्थ फेसिंग ये रहने वाला है दोस्तों। साथ ही में ये जो प्रोजेक्ट है JDA एंड रेरा अप्रूव्ड रहेगा। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 24/7 यहाँ पे वाटर फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। साथ ही में सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और साथ ही में आपको यहाँ पर मिल जाता है क्लब हाउस। आप देख सकते हैं कॉर्नर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लब हाउस, जिसके अंदर आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, जिमनेशियम, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, ये सभी आपको मिलने वाला है। पार्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सभी एमिनिटीज़ के साथ में आपको मिलेगा ये बहुत ही खूबसूरत विला। तो आप देखिए यहाँ पे आपका पोर्च एरिया आ जाता है, और यहाँ पर आपको वाटर के लिए वाटर टैंक की फैसिलिटी भी दी जा रही है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा पोर्च एरिया, काफ़ी स्पेशियस आपका पोर्च एरिया रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वर्क आपको देखने को मिलेगा, और वॉल्स पर आप देखेंगे कि टेक्सचर वर्क यहाँ पे किया गया है। वॉल्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क रहेगा, साथ में सीलन वगैरह की आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से आ जाएगी हमारी विला की एंट्रेंस। तो यहाँ पर आपको विंडो मिल जाएगी जो कि आपके लिविंग एरिया में रहेगी, तो यहाँ से प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिलता रहेगा। वेंटिलेशन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है दोस्तों इस विला में। तो चलिए हम चलते हैं हमारे विला के अंदर। तो दोस्तों ये आ जाती है हमारी विला की एंट्रेंस। एंट्री डोर देखेंगे, वुडन हैवी डोर आपको मिल जाएगा प्रीमियम लॉक्स के साथ में। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जो कि 18x17 के डायमेंशन में रहेगा। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, डिसेंट स्पेस आपको मिल जाएगा। ये आपका ब्यूटीफुल लिविंग एरिया आ जाएगा। 7 to 8 सीटर सोफा आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में बैक वॉल पर आप देखेंगे दोस्तों टाइल का वर्क यहाँ पे किया गया है, साथ ही में वुडन वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा वर्क काफ़ी कम देखने को मिलता है, तो अगर हम वॉलपेपर की जगह पर ऐसा भी अपने वॉल को डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही में फॉल सीलिंग की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है कंसील लैम्प के साथ में। फ्लोरिंग एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक ग्लॉसी टाइल्स मिल जाती है, वर्टिफाइड टाइल्स आपको मिल जाएंगी। इधर आ जाएगा हमारा डाइनिंग स्पेस, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस आपको मिल जाएगा।
मार्बल की टेबल आपकी रहने वाली, 6 सीटर आपका डाइनिंग टेबल हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पर आपको मिल जाएगा वॉश बेसिन का प्रोविजन, देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल रहने वाला है। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर इस तरीके से वॉल को डिज़ाइन किया गया है कुछ मेटल आर्ट वर्क के साथ में। इसी के बिल्कुल पास में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा LED स्पेस, वुडन LED पैनल आपको मिल रहा है जो कि वॉल माउंटेड रहने वाला है और फुल सीलिंग तक ही रहेगा। डिज़ाइन आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन इसका रहेगा। इसी के बिल्कुल पास में आ जाती है दोस्तों हमारी मॉड्यूलर किचन, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपकी किचन रहने वाली है। 8x10 के डायमेंशन में रहेगी मॉड्यूलर किचन, आप देख रहे हैं L शेप में हो जाता है काउंटर टॉप, ग्रेनाइट का काउंटर टॉप आपका रहेगा। और नीचे आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे ड्रॉर्स, यहाँ आ जाता है आपका वेट एरिया, ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है विंडो आपको मिल जाती है, UPVC स्लाइडिंग विंडो, वो भी काफ़ी बड़े साइज़ की आपको मिल जाती है, तो यहाँ से वेंटिलेशन प्रॉपर आपके किचन में बना रहेगा। बट फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको चिमनी की भी फैसिलिटी दी हुई है। ऊपर आपको मिल जाते हैं कैबिनेट्स, काफ़ी बड़े साइज़ के आपको कैबिनेट मिल जाते हैं, तो स्टोरेज की आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। साथ ही में किचन में भी आपको एक फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये हो जाती है हमारी खूबसूरत सी मॉड्यूलर किचन। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो विलास बने हुए हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको मिल जाएगा बेसमेंट भी। तो यहाँ आपको मिल रहा है बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 3 BHK ये विला रहने वाला है। तो अभी हम चलेंगे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, फिर हम चलेंगे बेसमेंट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, बहुत ही शानदार साइज के साथ में 10x16 के डायमेंशन में रहेगा आपका ये बेडरूम, मास्टर बेडरूम आपका रहने वाला है। बेड के पीछे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क आपको देखने को मिलेगा, फुल सीलिंग तक रहेगा कुशन का वर्क, साथ ही में दोनों साइड में वुडन वर्क आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक ग्लास वर्क मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका LED स्पेस, वुडन LED स्पेस आपका यहाँ पर रहने वाला है फुल सीलिंग तक। साथ ही में वेंटिलेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको गैलरी मिल जाती है, ओपन स्पेस आपको यहाँ मिल रहा है, आप देखिए UPVC डोर आपको मिल जाएगा। साथ ही में देखिए कितना अच्छा सोर्स आपको मिल रहा है वेंटिलेशन के लिए, आप यहाँ पे अपने क्लोथ्स भी रख सकते हैं ड्राई होने के लिए। फ्लोरिंग आपको टाइल्स की यहाँ पर मिल रही हैं, तो बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन आपके रूम में बना रहेगा और प्रॉपर जो नेचुरल सनलाइट होती है वो भी आपके रूम में आती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम, 7x10 के डायमेंशन में रहेगा दोस्तों हमारा अटैच वॉशरूम, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं, आप देख रहे होंगे कि वॉल्स पे और फ्लोरिंग पे टाइल वर्क आपको मिल जाएगा ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में। सीट आपकी वॉल माउंट रहेगी और यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉश बेसिन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आ जाती हैं वार्डरोब, फुल सीलिंग तक रहेंगी और डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रीमियम हैंडल्स के साथ में रह रही है आपकी जो वार्डरोब्स हैं, और काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम। अभी हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ, जहां हम आपको दिखाएंगे कितना ब्यूटीफुली उसको डिज़ाइन किया गया है। तो अजय यहाँ से आपका बेसमेंट का प्रोविजन आपको मिल जाएगा, स्टेयर्स का प्रोविजन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा बेसमेंट, आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक लिविंग स्पेस मिल जाएगा, इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। साथ ही में साइड वॉल पर आप देखिए वुडन वर्क यहाँ पे किया गया है सनमाइका के साथ में, काफ़ी ब्यूटीफुल वर्क है। और सबसे मेन बात आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए प्रोविजन मिल जाता है, तो सफोकेशन यहाँ पर नहीं रहेगा। साथ ही में हमने दोस्तों यहाँ पर 2 सिटिंग स्पेस दिए हैं आपको अलग से, एक आपका होम थिएटर के रूप में हमने डिज़ाइन किया है, साथ ही में एक आपका स्टडी रूम हो जाता है, साथ ही में आप इसे ऑफिस वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों यहाँ पर जो आपको विलाज मिलने वाले हैं वो अनफर्निश्ड आपको मिलेंगे। ये विला हमने डिज़ाइन किया है ताकि हम आपको बता सकें कि यहाँ पर किस तरीके से आपको स्पेस मिल जाता है और आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 70 लाख से स्टार्ट है विलास की प्राइस, और जो विला अभी हम देख रहे हैं 80 लाख की प्राइस में ही रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम आगे का स्पेस देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको वॉल पे जो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क देखने को मिलेगा, वुडन वर्क है, साथ ही में यहाँ पे कुछ पेंट किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है।
साथ ही में दोस्तों आप देखेंगे स्टेयर्स के नीचे भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप इसे कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपका स्पेस रहने वाला है बहुत ही डिसेंट। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा होम थिएटर। तो हमने इसे दोस्तों होम थिएटर की तरह हमने इसे डिज़ाइन किया है, बट आप जैसे भी चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपकी कोई प्रोफेशनल मीटिंग्स हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 7-सीटर सोफा आप देखेंगे यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही में वॉल्स पे आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये वुडन वर्क रहने वाला है सनमाइका के साथ में, और काफ़ी अच्छी LED लाइट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ये हो जाता है हमारा होम थिएटर। इसी के बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा आपका स्टडी रूम। आप देखिए आप इसे स्टडी रूम भी बना सकते हैं और ऑफिस स्पेस भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल मिल जाती है, चेयर्स यहाँ पर रहेंगे, साथ ही में शेल्फ आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे बुक्स वगैरह जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है, आप देखिए। तो ये हो जाता है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल बेसमेंट। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है, और ऑर्गेनाइज आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने किया है, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ हम देखने वाले हैं 2 बेडरूम्स। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा हमारा स्टेयर्स का प्रोविजन। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। आप भी अपने जो घर है उसके छोटे छोटे स्पेस को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वॉल पे बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क, मेटल आर्ट वर्क रहने वाला है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर। आप देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। 18x10 के डायमेंशन में रहेगा ये आपका लॉज एरिया। यहाँ पर भी आप देखेंगे 5-सीटर सोफा यहाँ पे लगाया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ में। साथ ही में बैक वॉल पर आप देखिए एक मेटल आर्ट वर्क यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आ जाती है आपकी सेंटर टेबल। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर आपको एक स्टोरेज मिल जाता है, कितनी खूबसूरत टेबल है। साथ में काफ़ी वाइड यहाँ पे मिरर लगाया गया है, और यहाँ पर भी आप देखिए डेकोरेटिव आइटम हमने कुछ लगाए हैं वॉल्स को डिज़ाइन करने के लिए। साथ ही में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे भी, और जो सनलाइट है वो भी यहाँ पर ईजिली आती रहेगी। यहाँ पर हमने ज़्यादा वॉलपेपर्स का या ज़्यादा डार्क कलर्स का यूज़ नहीं किया है। वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स का हमने यूज़ किया है। तो ये आप कर सकते हैं, और ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। तो दोस्तों 10x16 के डायमेंशन में रहेगा आपका सेकंड बेडरूम। काफ़ी अच्छा साइज आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप देखिए स्पेस बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ ही में बेड के पीछे आप देखिए कुशन वर्क और इसी के साथ में वुडन वर्क आपको दिया गया है सनमाइका में, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क रहने वाला है। कुछ प्रोफाइल लाइट्स दी गई हैं ताकि और इन्हेंस करता है आपके बेडरूम की ब्यूटी को। यहाँ पर आ जाएगा ड्रेसिंग एरिया, ब्यूटीफुल फुल सीलिंग तक आप देखिए मिरर यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही में वेंटिलेशन के पर्पज़ से आप देखिए यहाँ पर भी आपको मिल जाती है गैलरी, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे तीनों बेडरूम्स में मिल रही है गैलरी और बालकनी, तो वेंटिलेशन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यह जाता है आपका LED स्पेस, नीचे आपको स्टोरेज मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम। 7x10 के डायमेंशन में रहेगा दोस्तों आपका वॉशरूम। देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। साथ ही में वॉल्स पे और फ्लोरिंग पे अलग कलर के टाइल्स का यूज़ किया है। हर वॉशरूम में आप देखेंगे अलग अलग टाइल्स का यूज़ किया गया है। वेंटिलेशन का प्रॉपर सोर्स आपको यहाँ पे दिया गया है, साथ ही में ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं। क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है दोस्तों। और यहाँ पर आ जाती हैं वुडन वार्डरोब्स, आप देखिए काफ़ी अच्छी आपको वार्डरोब मिल जाती है प्रीमियम हैंडल्स के साथ में, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन रहेगा, और ऊपर भी आपको एक स्पेस मिल जाता है तो वहाँ भी आप कुछ स्टोरेज कर सकते हैं। फॉल सीलिंग की तरफ हम देखेंगे दोस्तों, डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है इस बेडरूम में। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। इसी के बिल्कुल सामने रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। 12x14 के डायमेंशन में रहेगा, काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पर।
देखिए आप बेड लगाने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है वॉकिंग के लिए। साथ ही में बेड के पीछे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क आपको देखने को मिलेगा, कुशन वर्क जो है फुल सीलिंग तक रहने वाला है, काफी अच्छा डिजाइन है। साथ ही में वुडन वर्क यहाँ पे दिया है बीच बीच में कुछ गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ में। फॉल सीलिंग आप देख लीजिए, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फ्लोरिंग एक बार आप देख लीजिए, ग्लॉसी टाइल्स के यहाँ पे यूज किया गया है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाती है बहुत ही वाइड बालकनी, आप देखिए बहुत ही खूबसूरत आपकी बालकनी रहने वाली है यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर के साथ में। यह आ जाती है दोस्तों आपकी स्पेशियस बालकनी, फ्लोरिंग पे टाइल वर्क आपको मिल जाएगा, साथ ही में एसएस की रेलिंग और टफन ग्लासेस का यहाँ पे यूज किया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कितना शानदार व्यू आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर ये सोसाइटी रहने वाली है, कितना अच्छा व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इवनिंग मॉर्निंग एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही में वेंटिलेशन भी प्रॉपर आपके रूम में बना रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एलईडी स्पेस, आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा आपको एलईडी स्पेस मिल जाता है, साथ ही में नीचे कुछ आपको स्टोरेज मिल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी आपकी वार्डरोब जो कि फुल सीलिंग तक रहने वाली है। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेपरेट ड्रेसिंग एरिया भी मिल जाता है, आप देखिए यहाँ पे आपको दो वार्डरोब्स मिल जाती है, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा, प्रीमियम हैंडल्स के साथ में रहने वाली हैं। काफ़ी व्यूवर्स की डिमांड होती है कि उन्हें अपने रूम में 2 से 3 वार्डरोब्स चाहिए, साथ ही में आपको यहाँ मिल जाती है 3 वार्डरोब्स और यहाँ पर रहेगा आपका लुकिंग मिरर दोस्तों, आप देखिए प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया आपका ये रहेगा। और इसी के बिल्कुल पास में हमें अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, 7x10 के डायमेंशन में रहेगा आपका अटैच वॉशरूम, आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है इसको। टाइल वर्क आप देखिए यहाँ भी एक अलग डिज़ाइन की टाइल्स का यूज़ किया है, साथ ही में वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर सोर्स यहाँ पे दिया गया है और एक डिज़ाइनर फॉल सीलिंग भी आपको मिल जाती है थीम लाइट के साथ में। और यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉश बेसिन। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा 3rd बेडरूम। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत विला, बहुत ही प्यार से इसको बनाया गया है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन इसमें किया गया है। तो आई होप कि आपको ये विला पसंद आया होगा, ये डिज़ाइन आपको पसंद आए होंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। साथ ही में दोस्तों इस विला की जो प्राइस रहने वाली है वो 80 लाख की रहेगी, इस विला की प्राइस 80 लाख रहेगी। साथ ही में आप हमें कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का टाइमली रिप्लाई करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।